मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में हम लोग किस विषय पर बात करने जा रहे हैं, आप इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। कल के ही विषय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कल जिस विषय पर हम बात कर रहे थे वह विषय था कि जो हमें मिल जाता है क्यों कुछ समय के बाद ही वह हमें व्यर्थ सा लगने लगता है, या हम उससे ऊब जाते हैं, या आप यूं कह लीजिए कि उससे मन फिर जाता है, या उसमें जो आकर्षण था वह खत्म हो जाता है, उसकी उपयोगिता कम मालूम पड़ने लगती है, जो भी आप नाम देना चाहें। फिलहाल बात यह है कि किसी भी चीज के लिए पहले हम इतने उत्सुक होते हैं कि नहीं नहीं ये हमें मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल जाए, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े। मिल जाती है चीजें, बहुत सी चीजें तो नहीं ही मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजें मिल भी जाती हैं, और जब मिल जाती हैं तो कुछ समय तक तो पूरा जोश खरोश बना रहता है, वो एनर्जी बनी रहती है, वो आकर्षण बना रहता है, लेकिन धीरे 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 वह एनर्जी चूकने लगती है, वह आकर्षण गायब होने लगता है। चलिए वो गायब होने लगे वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जब वो माइनस में पहुंचता है तो वो बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। यार, जिस चीज के लिए हमने इतनी मेहनत की, अपने घर परिवार को नाराज किया, उनको छोड़ दिया, आप मैं समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। अब जब हम साथ रह रहे हैं तो अब वो साथ रहना भारी पड़ रहा है। याद रखिए, ये केवल एक उदाहरण है, नौकरी वगैरह के बारे में भी मैंने देखा है। मित्रों, मेरा तो इस क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है, और खासकर जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं, प्रशासनिक जीवन में जीते हैं, तो आपको इस तरह के बहुत वाइड रेंज एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। हम लोगों का जो दौर था मित्रों, एक मायने में थोड़ा सा सही भी था, थोड़ा सा गलत भी था। सही इस मायने में था कि जो खासकर जो ग्रेड फोर्थ पे जो रिक्रूटमेंट होता है, जैसे किसी को चपरासी रखना है, किसी को चौकीदार रखना है, तो ऑफिसर्स को इतने अधिकार होते थे कि वो उन्हें रिक्रूट कर लेते थे। कुछ समय तक वो टेम्परेरी चलते थे, बाद में वो परमानेंट हो जाते थे, उस समय तक ये बात थी। लेकिन अब तो इन सब पर जबरदस्त प्रतिबंध लग चुका है, तो बात इसकी नहीं है कि ये सही है या वो सही है, बात इसकी है कि उस समय हम लोग ऐसा कर लेते थे और जरूरत के हिसाब से करते थे, और जब किसी को रखना होता तो हम लोग देखते थे कि वो कितना ज्यादा उत्सुक है उसको पाने के लिए, कितना बेचैन है, कितना गिड़गिड़ा रहा है उसके घर वाले। चलिए, आपने रख लिया और अभी मुश्किल से 6 महीने ही बीते होंगे कि अब वही जिसे आपने रखा था, आप देख रहे हैं कि इसका चरित्र कितना बदल गया है। अब ये आंखें दिखा रहा है, बातें नहीं मान रहा है, मतलब बिल्कुल ही उलट हो गया, और अब शिकायत कर रहा है। शिकायत तक मतलब सुनने को मिली कि अगर मेरा यहां नहीं हुआ होता तो मेरा कहीं दूसरी अच्छी जगह हो गया होता, मतलब इस तरह की बातें तक सुनने को मिलती हैं। मित्रों, ये जीवन है, जीवन के विविध रंग हैं, और यही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती ये कि कैसे हम इसके साथ संतुलन साध पाते हैं। मित्रों, कल मैंने आपसे कुछ बातें की थी, आज मैं उन 2-3 मूलभूत बातों की चर्चा करूंगा जिनके बारे में मैंने कल आपसे वायदा किया था, लेकिन समय की कमी के कारण मैं कल कर नहीं पाया था। आइए अब हम कारणों पर जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मित्रों, मैं 3 सबसे बड़े कारण आपको बताऊंगा, जिसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है कि हम जब किसी भी चीज को पाना चाहते हैं और वो चीज हमारे पास नहीं है, तब आप कल्पना करके देखिए कि दिमाग में क्या है। शब्द अभी मैं इस्तेमाल कर चुका हूं, कल्पना। हमारे दिमाग में सिर्फ उस चीज के बारे में एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है कि मुझे ये नौकरी मिल जाए, मुझे इस शहर में रहने को मिल जाए, मुझे यहां पढ़ने को मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। ये तो कल्पना है ना कि मिल जाए, उसके बारे में एक धुंधली तस्वीर हमारे दिमाग में है, और फिर जब मैं उसके प्रति आकर्षित हूं कि यह मुझे मिल जाए, तो स्वाभाविक तौर पर मेरी जो कल्पना होगी वो लगातार बढ़ती चली जाएगी और गहराती चली जाएगी। बढ़ती चली जाएगी मतलब व्यापक होती चली जाएगी, गहराती चली जाएगी मतलब मैं उसको डेप्थ में ले जाता चला जाऊंगा। डेप्थ में वो कैसी जाएगी कि मैं उसके बारे में हमेशा अच्छी अच्छी चीजें सोचूंगा, और अगर किसी ने कुछ गलत चीज कह भी दी तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाता, या यूं कह लीजिए कि मैं इस तर्क के आधार पर उसे रिजेक्ट कर देता हूं कि ठीक है, तो सब में कुछ ना कुछ कमी रहती है, इसमें भी कमी है, लेकिन फिर भी देखो इसमें ये फायदे हैं जो दूसरे में नहीं है। और यह सब कुछ केवल काल्पनिक स्तर पर होता है,
काल्पनिक स्तर का मतलब हुआ कि उसका कोई यथार्थ ज्ञान हमारे पास नहीं है, कोई यथार्थ अनुभव हमारे पास नहीं है। हम केवल कल्पना के धागे बुन रहे हैं, और कल्पना के धागे चूंकि मैं खुद बुन रहा हूं तो उसमें बड़े रंगीन धागों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़े महीन धागों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़े कोमल धागों का इस्तेमाल कर रहा हूं, और फिर मैं बड़े इत्मीनान से उसकी बिनाई कर रहा हूं तो चीज तो खूबसूरत बनेगी, बनेगी बहुत ही नर्म, कोमल, सुंदर, चमकदार, आकर्षक। यथार्थ में चाहे वो चीज कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी कुरूप क्यों ना हो, कितनी भी दुखदायी क्यों ना हो, लेकिन अगर मुझे अपने लिए कोई चीज सोचनी है तो मैं अच्छा ही सोचूंगा, और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज के बारे में गलत सोचने लगेंगे, उल्टा सोचने लगेंगे, तो फिर तो हम उसके लिए कभी कोई कोशिश करेंगे ही नहीं, तो हमें कोई चीज मिलेगी ही नहीं। तो ये अच्छी बात तो है, लेकिन यहां बुरी बात यह है कि हम उसे यथार्थ से बिल्कुल किनारे कर देते हैं, जिसे मैं अक्सर भाव और तर्क का समन्वय कहा करता हूं। हर चीज की एक रियलिटी होती है, और कल्पना के बाद जब वो चीज हमें मिल जाती है तो अब हम किसमें आ गए हैं, रियलिटी की दुनिया में आ गए हैं, यथार्थ की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। और जब हम यथार्थ की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि स्वप्न टूट गया हो, एक खूबसूरत सपना हम देख रहे थे, नींद टूट गई है, और नींद के टूटने के साथ ही हमारा खूबसूरत सपना टूट गया है। क्योंकि जीवन तो यथार्थ, उसको मेरे सपने से कोई लेना देना नहीं है कि भैया तुमने यह सपना देखा था तो मैं अपने आप को कम से कम तुम्हारे सपनों के हिसाब से इतना तो एडजस्ट कर लूं। यथार्थ तो यथार्थ है। तो सवाल यहां यथार्थ से शिकायत की नहीं होती है, सवाल इस बात की होती है कि मैंने तो ये सोचा था और ये निकला, इसकी टकराहट होती है। तब फिर स्वाभाविक तौर पर धीरे 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 उन चीजों से ऊब होने लगती है कि मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, इन इन के पास गया, अपना उस समय का सारा सुख चैन सब कुछ त्यागा, दोस्तों को छोड़ दिया, पढ़ाई में लगा रहा, और इसके बाद ये जो नौकरी मिली है, जो काम मिला है, ये इतना बेकार काम है, मतलब सोचने के साथ उसका कोई मैच अब नहीं है। तो ये कल्पना खत्म हुई, यानी यूं कह लीजिए कि यह मोह भंग की स्थिति हुई, जो या तो अचानक हो जाती है या धीरे धीरे होती चली जाती है। यह दोस्तों पहला पॉइंट, बट नेचुरल है कि अब इसको कंट्रोल करने के लिए, इस आप कह लीजिए संकट से बचने के लिए केवल एक ही उपाय रह जाता है कि हम चीजों की यथार्थ के बारे में भी जाने, राइट। अब जो दूसरी बात होती है फ्रेंड्स, वो होती है कि जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो हम उसके साथ रहने लगते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं, उसे व्यवहार में लाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे मेरे पास कार आ जाए, कार आ जाए। अरे जब कार आ जाएगी तो जिंदगी में बाहर आ जाएगी, फिर तो हम कहीं भी घूमने जाएंगे और किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और खूब घूमेंगे और प्रोग्राम देखने जाएंगे, फलाना फलाना मैं सपने बुन रहा हूं और कार आ गई, राइट। अब वो सपने पूरे नहीं होंगे, कार घर में खड़ी है, शुरू शुरू में तो जोश खरोश होगा, मैं खूब इस्तेमाल करूंगा, कुछ लोगों को दिखाने के लिए भी करूंगा कि भैया देखो मेरी कार आ गई है, तो जब तक मैं मोहल्ले में लेकर के निकलूंगा नहीं शहर में, तो कैसे लोगों को पता लगेगा। तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन कितने दिन तक। अब धीरे धीरे क्या होगा कि मुझे उस कार की आदत पड़ जाएगी, हैबिट पड़ जाएगी। ये सेकेंड बहुत बड़ा कारण है, हैबिट। अब होता यह है फ्रेंड्स कि हमें जो चीज धीरे धीरे हैबिट में हमारी शामिल हो जाती है उसकी विशिष्टता खत्म हो जाती है। आप कल्पना करके देखिए कि सांस लेना हमारे जीवन का आधार है, सांस, इसके बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, सांस। लेकिन कभी हमने अपने सांस की वैल्यू को उस तरीके से समझा है? नहीं समझा है। इसलिए नहीं समझा है क्योंकि सांस लेना छोड़ना हमारी आदत बन चुकी है, तो हमें कभी महसूस ही नहीं होता कि यार सच में ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो भी हमारे साथ रहता है, जिसके साथ हम रहते हैं, जिस काम को हम करते हैं, जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं, धीरे 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 वो हमारे आदत के हिस्से बन जाते हैं। और जैसे ही कोई चीज आदत का हिस्सा बन जाती है, उससे मिलने वाला जो आनंद है, जो सुख है, जो संतोष है, वह धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। क्योंकि जब नहीं मिल रहा था तब तो हम सपने देखते थे कि मिलेगा तो ये करेंगे, अब जब मिल गया है तो वो सपने तो पूरे हो ही नहीं रहे हैं, और सपने देखने की संभावना खत्म हो गई है।
सपनों की संभावना का खत्म हो जाना ये बहुत ही खतरनाक बात होती है मित्रों। और एक जापानी जो जैन कवि हो जो जैन संत होते हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रार्थना की है, बहुत ही गजब की प्रार्थना की है ईश्वर से, और कहा कि हे ईश्वर तुम मेरे सपनों को कभी पूरा मत करना, क्योंकि जब मेरे सपने पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं करूंगा क्या, और जब मेरे पास कुछ करने को रहेगा ही नहीं तो फिर मैं जीऊंगा कैसे, तो मेरे सपनों को ही मत पूरा करना। अब ये बात अलग है कि हम लोग हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरे सपनों को पूरा कर दे। तो सपने पूरे हो गए, अब सपने पूरे हो गए तो उस चीज की जो वैल्यू थी, जो उपयोगिता थी, वो खत्म हो गई। आदत, ये दूसरा तत्व है। जो तीसरा है मित्रों, इसके सबके इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कभी अगर वक्त हुआ या आप लोगों की इच्छा हुई तो इस पर हम लोग अलग से ही बात करेंगे, वह है मन का स्वभाव। जो नेचर है हमारे मन का वो चंचल ही है, आप जानते हैं, कुछ लोग इसको बंदर कहते हैं, कुछ लोग, गीता में कृष्ण ने इसे तुरंग कहा है, उड़ने वाला घोड़ा कहा है, कुछ लोग इसे बंदर कहते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, हवा कहते हैं। तो मित्रों ये मन है ही चंचल, ये चंचल का मतलब है कि किसी एक चीज पर ये टिक कर रहता ही नहीं, ये इसकी आदत है, इसका स्वभाव है। तो अब अगर जो चीज मिल गई है तो बटने चले कि उस पर भी वो टिक कर नहीं रहेगा, फिर जो दूसरी चीज मिल जाएगी उस पर भी वो टिक कर नहीं रहेगा। जैसे पानी का काम ही है बहना, ये भी बहता रहता। हाँ ये बात अलग है कि अगर पानी को आपने चारों तरफ से घेर दिया तो वहां रहने के लिए मजबूर हो जाएगा, मन के साथ भी ऐसा किया जा सकता है लेकिन वो करना पड़ता है, अपने आप तो मन चंचल रहेगा ही। दोस्तों जिस दिन हम यथार्थवादी हो जाएंगे, चीजों के बारे में यथार्थ तरीके से सोचने लगेंगे, और जिस दिन हम अपने इन आदतों में नवीनता लाने लगेंगे, चीजों में नवीनता लाई जा सकती है, एक ही चीज हमेशा नई हो सकती है क्योंकि अंदर से तो परिवर्तित हो रही है, बाहर से भी परिवर्तित हो रही है, लेकिन हम अपनी आदत के ठस पने के कारण उन परिवर्तनों को देख नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ये होता है। तो जिस दिन हम अपने आदतों में लगातार नया नयापन लेते चले जाएंगे, आप देखिए कि आप उनसे उबेंगे नहीं। और देखिए जीवन तो उबने का नाम नहीं है, कब तक हम केवल छाया के पीछे भागते रहेंगे, छाया तो हमारी ही है ना, कभी नहीं पकड़ पाएंगे हम, तो हम भागते ही रहेंगे कि ये मिला तो इससे उबे, तो फिर अब दूसरा मिला, दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, वो मिल गया तो कुछ समय तक उसके साथ रहे, फिर तीसरे के पीछे भाग रहे हैं, और जिंदगी इसी तरह से खत्म हो जाएगी। और इस दुनिया को, इस प्रकृति को, हमारी अपनी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी जिंदगी से तो लेना देना मेरा हो सकता है, मेरे परिवार के लोग, परिचित शुभचिंतक, मित्र रिश्तेदार जो हो सकते हैं उनका थोड़ा बहुत हो सकता है, प्रकृति का क्या लेना देना, उसके नजरों में तो सभी बराबर है। तो मित्रों ये तो हमारे ही हित में है कि हम चीजों से उबना बंद करें, रोकें, जैसे पानी को रोक लेते हैं वैसे अपने मन को भी रोकें। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है, मैं अब इस विषय को यहीं समाप्त करना चाहूंगा, फिर हम नए नए विषयों पर बात करेंगे, आप सब अपने अपने विषय सुझाएं। तो दोस्तों अब आप सबकी इजाजत चाहता हूं, नमस्कार।